प्यारे दोस्तों, हर दिन की भांति एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा। दोस्तों तो चलिए बिना देर के उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों कहानी का टाइटल क्या है प्यारे दोस्तों? द मर्चेंट्स लाई। मर्चेंट्स मीन्स दोस्तों होता है व्यापारी और लाई मीन्स होता है दोस्तों झूठ, यानी कि व्यापारी का झूठ। शीर्षक क्या है दोस्तों कहानी का? व्यापारी का झूठ। तो चलिए आगे कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। वंस, वंस मीन्स दोस्तों होता है एक बार। ए ट्रेडर वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। ट्रेडर मीन्स दोस्तों व्यापारी होता है और मर्चेंट मीन्स भी व्यापारी होता है, कुछ अंतर होगा बड़ा छोटा का, लेकिन क्या होता है? एक बार ए ट्रेडर वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, यानी कि एक व्यापारी पैसों की, मनी मीन्स दोस्तों होता है पैसा यानी रुपया, रुपयों की सख्त जरूरत, अर्जेंट नीड माने सख्त जरूरत में था, यानी तुरंत में उसको जरूरत था। He decided to place an iron balance with the merchant. क्या किया दोस्तों? वह जो है ट्रेडर, क्या किया वह? एक व्यापारी, मर्चेंट मीन्स दोस्तों व्यापारी होता है, वह एक व्यापारी के साथ एक लोहे की तराजू, क्या किया? प्लीज मीन्स दोस्तों होता है गिरवी रखने का निर्णय लिया, डिसाइड यानी निर्णय लिया। क्या किया दोस्तों? वह एक व्यापारी के साथ एक लोहे की तराजू गिरवी रखने का निर्णय लिया। इन रिटर्न, और बदले में, इन रिटर्न मीन्स क्या होगा दोस्तों? बदले में द मर्चेंट गिव हिम मनी। क्या किया दोस्तों? व्यापारी जो है उन्हें मनी दिया यानी रुपया दिया। आफ्टर ए व्हाइल यानी कुछ देर बाद, व्हेन द ट्रेडर रिटर्न द मनी, जब यानी व्यापारी जब पैसों को लौटाया, रिटर्न किया, द ग्रीडी मर्चेंट टोल्ड हिम दैट द आयरन बैलेंस वॉज ईटन बाय रैट्स। क्या हुआ दोस्तों? द ग्रीडी मर्चेंट यानी लोभी व्यापारी टोल्ड हिम दैट, उन्हें कहा कि द आयरन बैलेंस वॉज ईटन बाय रैट्स, यानी कि लोहे के तराजू एक चूहे द्वारा खा चुका था, यानी खाया हुआ था या खाया हुआ था। द ट्रेडर वॉज शॉक्ड, व्यापारी जो है शॉक्ड हो गया यानी आश्चर्यचकित हो गया। बट ही डिसाइडेड टू टीच द मर्चेंट रिलेशन, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? वह जो है एक पार्ट व्यापारी को सिखाने का डिसाइड किया यानी निर्णय लिया। सो इसीलिए द ट्रेडर टुक द मर्चेंट सन एज ही नीडेड सम हेल्प। क्या किया दोस्तों? इसीलिए द ट्रेडर यानी कि व्यापारी मर्चेंट के सन को, यानी कि व्यापारी के लड़के को टुक यानी लिया, जब ही नीडेड सम हेल्प, जब उसे कुछ सहायता की जरूरत हुई। ही देन हाइड द बॉय इन अ केव। उसके बाद वह जो है दोस्तों क्या किया? एक गुफा में लड़के को हाइड कर दिया यानी छुपा दिया। ही टोल्ड द फादर दैट द बॉय वॉज कैरिड अवे बाय हॉक। ही टोल्ड द फादर, वह पिता को कह दिया यानी लड़के के पिता को कहा कि द बॉय वॉज कैरिड अवे बाय हॉक, यानी लड़का जो है एक हॉक के द्वारा ले जाया गया था, यानी कि ले गया था, यानी कि एक हॉक जो है बच्चा को ले गया है, लड़का को। द मर्चेंट थ्रेटन हिम, मर्चेंट यानी कि व्यापारी उसे धमकाया, थ्रेटन दिया यानी धमकाया। द ट्रेडर सेड He would tell the king that if rats could eat the iron balance. वह क्या हुआ दोस्तों? The trader said, यानी व्यापारी ने कहा, he would tell the king, वह राजा को कहेगा कि if rat could eat in the iron balance, अगर चूहा लोहे के तराजू को खा सकता था, he could also carry a young boy. Hawks could also carry a young boy. यानी कि बाज भी एक लड़के को उठा ले जा सकता था। द मर्चेंट रिलाइज हिज मिस्टेक, यानी कि व्यापारी को अपना गलती महसूस हुआ, रिलाइज हुआ, एंड रिटर्न द आयरन बैलेंस, और क्या किया दोस्तों? लोहे के तराजू को लौटा दिया। ही देन गॉट हिज सन बैक, उसके बाद वह अपने पुत्र को वापसी पाया। कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों? विजडम इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बुद्धिमता मनुष्य का अच्छा दोस्त होता है। आपके पास अगर बुद्धि है तो आपके पास एक अच्छा दोस्त है। कोई दोस्त समय पर काम नहीं देगा, लेकिन आपके पास अगर बुद्धि है तो
तो सब आपके साथ रहेगा, सब आपको काम देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर। थैंक्स।